नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम मुमरा के डोंगरे बाग रसीद कंपाउंड में। यहाँ पर सर बिजली विभाग की जो सबसे बड़ी लापरवाही है वो यहाँ रसीद कंपाउंड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सड़क के किनारे एक केबल खुला हुआ है, यहाँ पर बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है। हम आपको दिखाएंगे कि अगर इस पर किसी भी इंसान का, अगर किसी भी जानवर का, किसी भी इंसान का अगर पैर पड़ता है तो फौरन बिजली की चपेट में आ जाएगा। यहाँ तक कि जो यहाँ के दुकानदार हैं उन लोगों ने यहाँ पर एक रिक्शा, जो ये रिक्शा खड़ा हुआ आप देख सकते हैं इस रिक्शे को, ये रिक्शा जो है यहाँ पर इसलिए खड़ा किया जाता है, जब ये चलकर आता है यहाँ पर इसलिए खड़ा किया जाता है ताकि इस रिक्शे की वजह से यहाँ पर कोई आए ना। और यहाँ पर बाजू में एक गाड़ी लगाई जाती है ठेली की, जो यहाँ पर एक महिला है वो बता रही है कि जो है यहाँ पर हम जो है बच्चों को आने जाने से इस केबल पे जो है पैर ना पड़े, उनको रोकने की ये भरपूर कोशिश करती हैं। आप बताइए जो है यहाँ पर कभी हादसा हुआ है ऐसा जब से ये खुला हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ हादसा, मगर यहाँ हम बैठते हैं ना तो कोई भी यहाँ से जाता आता ना तो उसको हम रोकते हैं कि इस पे पैर मत रखिए, नहीं तो जल जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जितने लोग हैं उन लोग को हम बोलते हैं कि भाई इसको बना दो, यहाँ चीज़ की दुकान है बाजू में, बच्चे आते हैं यहाँ कभी पैर रख दिए कुछ हो जाएगा तो। इसके लिए मैं इसको बाजू में खड़ा है लड़का, इसको मैं बोली भी कि भाई ये जरा बना नहीं, कोई बच्चे का जान जाएगा। जैसा कि ये महिला बता रही है कि जो है ये दुकान जो है बाजू में एक बीड़ी शॉप की दुकान है, ये भी लगातार जो है इस पर जो है रोकते हैं लोगों को ताकि ये जो है किसी का भी इस पर पैर ना पड़े। आप बताइए सर यहाँ पर जो है कितने दिन से ये वायर खुला हुआ है? कम से कम एक महीना हो चुका है इस वायर को। जी, आपने जो है कंप्लेन किया क्या बिजली भी? किया इसका, दो तीन दफ़ा किया कंप्लेन। तो क्या जवाब मिला आपको वहाँ से? जवाब भी मिला, अभी वायर नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, ऐसे बोलते रहते हैं। जी, बिजली विभाग की तरफ से इस तरह की लापरवाही जो है सामने आ रही है कि यहाँ पर कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, किसी के भी जान जा सकती है, लेकिन इसमें किसी को ये परवाह नहीं कि आखिर लोग जो है इस तरह से अगर यहाँ पर किसी की जान जाती है उसका जिम्मेदार कौन होगा। जैसे कि ये दुकानदार बता रहे हैं कि जो इसकी शिकायत भी उन्होंने वहां की थी लेकिन इनको जवाब दिया गया कि हमारे पास वायर नहीं है, केबल नहीं है, इसलिए हम उसे दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात यह है, अगर यहां किसी की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।